10 साल में भारत सफर पर चल चुका है। प्रगति और विकास के दौर पर निकल चुका है। गरीबों की सेवा, पिछड़ों का उत्थान, आदिवासियों की सेवा, सभी को पहचान, मान और सम्मान, ये देना प्रधानमंत्री का धर्म है मेरे भाई और बहनों। और आज मुझे गर्व है कि जिस पार्टी को मेरी आजी अम्मा पूर्ण राजमाता साहब ने स्थापित किया, आज उसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के साथ एक रक्षक के रूप में मैं खड़ा हूं। मेरे भाइयों, वही चेहरा है, वही खून है, वही आत्मा है। और जिस तरह के से मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की पीढ़ी के भर पीढ़ी के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में जी जान लगाया था, वैसे ही आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 साल आप लोगों के लिए सेवा की। आज देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। और कुछ उदाहरण मैं आपको दूं, जहां देश के अंदर 65 वर्षों में गरीबों के लिए केवल 3 करोड़ घर बने थे, 65 वर्ष में 3 करोड़, मतलब एक साल में करीब करीब 40,000 घर। एक साल वही प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर जहां 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने हैं, वही 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिया एक एक गरीब के लिए। मेरे भाई और बहनों, तालियां थोड़ी कम बजे, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि दिल मांगे मोर। 65 साल में 3 करोड़ घर, 10 साल में 4 करोड़ घर, और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल में जब आप लोग आशीर्वाद प्रदान करोगे, अगले 5 साल में 5 करोड़ घर। एक भी देश का वासी ऐसा ना रहे, एक भी देश का वासी जिसके घर, जिसके सिर के ऊपर घर का छत ना हो। मेरे भाई और बहनों, 100% सैचुरेशन, एक भी गरीब ना बचे जिसके पास घर ना हो। अरे इतने ध्यान से क्या डब्बे पे बात कर रहे हो? बंद कर दो डब्बा थोड़ी देर के लिए भैया, ऐसे झुक के बात कर रहे हो? हाँ, घरवाली का फोन आया, बोल देना अभी महाराज 3 घंटे लेने वाले। शत प्रतिशत सैचुरेशन, एक भी व्यक्ति न रहे जिसके पास सिर के ऊपर छत ना हो। वही गरीब कल्याण अन्न योजना,
कोरोना काल आया, लाखों करोड़ लोगों के पास खाने के लिए दो दाने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 25,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, सॉरी 25,000 नहीं 2.5 लाख करोड़ की गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी ने, मुफ्त में। और कोरोना समाप्त, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे भगवान का आशीर्वाद कोरोना समाप्त, लेकिन आज भी कोरोना समाप्त होने के बाद भी आज भी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन मिल रहा है। बहुत आसान है कहना 80 करोड़, क्या बोल रहे हैं पंडित जी पिपरे वाले, मेरे सिर के पीछे कान है। बहुत आसान है कहना 80 करोड़, 80 करोड़ का मतलब समझते हो? अस्सी करोड़ का मतलब है अमेरिका की आबादी 30 करोड़ की है, जितने लोग अमेरिका में हैं उसके 2.5 गुना ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जी निशुल्क अनाज दे रहे हैं मेरे भाइयों। पत्नी डब्बा बंद करो, लो इसके हाथ से डब्बा, आपके घर में पत्नी जो घर में चूल्हा पे खाना बनाती है लकड़ी के चूल्हे पे, रोज धुआं निकलती है, 2 बार जो भोजन बनता है, 2 पैकेट सिगरेट रोज अपने फेफड़े में निकलती हैं जब वो धुएं में फूंकती है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में, केवल नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आज देश के 11 करोड़ महिलाओं के घर में, और चूल्हा और सिलेंडर, और ये क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब छोटे थे उन्होंने अपनी मां को देखा चूल्हे को फूंकते हुए, धुएं को निगलते हुए, और बचपन में उन्होंने संकल्प लिया कि अगर भगवान मुझे मौका देगा तो मेरी मां जैसी महिलाओं का पूरा संकट का मैं समाधान करके छोड़ूंगा। 11 करोड़ महिलाओं के घर में आज चूल्हा और गैस का सिलेंडर, भगवान ना करे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, अस्पताल में जाते थे लंबा चौड़ा बिल बनता था, किसी को हृदय का रोग हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, लंबा चौड़ा बिल बनता था, गरीब के पास पैसा कहां, और घुट घुट के दम तोड़ देता था। आज आयुष्मान कार्ड देश के लोगों के हाथ में आ चुका है। यहां कितने लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है? और क्या है आयुष्मान कार्ड? भगवान ना करे कार्ड है आपके पास, नहीं किसके पास, यहां किसके पास है?
जी है ना जी। वीरेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, हर एक व्यक्ति में लैमिनेटेड कार्ड, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर आपके सारे डिटेल्स कोड बार कोड में लिखे हुए हैं। किसी भी आप रजिस्टर्ड अस्पताल के पास जाओ, जैसे विजेंद्र सिंह जी जाएंगे, किसी भी रजिस्टर्ड अस्पताल के पास जाए, और देश के अंदर 20,000 रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, इनकी कोई भी संकट हो, मोदी की गारंटी दिखाना है। ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बहनों, ये मोदी की गारंटी है कि विजेंद्र सिंह जी को 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज निशुल्क दिया जाएगा। निशुल्क, और ये नहीं कि ये पिपराई में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आराम से शोरगुल नहीं, उदाहरण के तौर पर अगर ये अपने रिश्तेदार को मिलने जाए उत्तर प्रदेश में, क्यों विजेंद्र आपका रिश्तेदार है, क्योंकि कौन से जिले में, ललितपुर के आजीवन, और अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, वहां ये बीमार पड़ जाते हैं, ये पुराना सिस्टम नहीं है कि मोदी की गारंटी दिखाओ और अस्पताल में कहेंगे भैया अपने परी वापस चले जाओ। ये मोदी की संपूर्ण भारत की गारंटी है विजेंद्र सिंह जी के लिए। भगवान ना करे ये वहां बीमार हो जाए, झांसी या ललितपुर में मोदी की गारंटी का कार्ड दिखाओ, इनका इलाज झांसी या ललितपुर में भी हो जाएगा। और कितने लोगों को ये कार्ड दिया है, सामान्य तौर पर भारत सरकार की योजना निकलती थी 15-20 लाख लोगों को मिल गई, ढंडोरा पीटा जाता। आज आयुष्मान कार्ड के धारक हाथ उठाओ दोबारा, आयुष्मान कार्ड के धारक इस सभा में उठा के रखो भैया, कम से कम 80% है पूरे देश में आयुष्मान कार्ड धारक 30 करोड़ है मेरे भाई और बहनों, 30 करोड़ रुपए। और जब से आयुष्मान कार्ड की योजना की शुरुआत हुई है तब से आज तक 80,000 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड योजना में भारत सरकार ने खर्च कर दिया है गरीबों के लिए और वंचितों के इलाज के। ये मोदी की गारंटी है, विकास की गारंटी है, प्रगति की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, घर की गारंटी है, गैस के सिलेंडर की गारंटी है। कितने लोग यहां जिनको किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है, ₹6,000, मोदी की गारंटी मिलती है कि नहीं, और 2020 में अगर मैंने सरकार न बदली होती, तो प्रदेश सरकार से आपको ₹6,000 न मिलती। बोलो ठीक किया कि नहीं,
और इसमें ब्रजेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। अपनी विधायकी को त्याग किया, आज तो व्यक्ति अपने सरपंची को त्याग नहीं देता भैया, इन्होंने अपनी विधायकी को त्याग कर दिया। और मुझे सहायता दी ताकि मैं शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर जो 6,000 रुपया केंद्र से मिलता है उस पर 6,000 रुपया अतिरिक्त डाल के 12,000 रुपया आपके खाते में हर साल आते हैं। आते हैं कि नहीं? ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। अगर आज वो जोड़ी होती ना, एक रुपया नहीं मिलता, एक रुपया ना मिलता। और इसलिए मैंने गार्ड बांध लिया, या तो वो जोड़ी रहेगी या महाराजा सिंधिया रहेगा मेरे भाइयों में। ये लड़ाई आपकी लड़ाई लड़ी, और आज किसान को जहां 6,000 रुपया केंद्र से मिलता है, प्रदेश सरकार से भी मिलता है, और वहीं जहां किसानों को सम्मान निधि मिलती है 11 करोड़ किसानों को, देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष, 70,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का सीधा हमारे सीमांत कृषक के खाते में डाला जाता है, और 1 करोड़ किसानों को मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ प्रदेश सरकार से। अब मुझे बताओ, सीधा आपके खाते में आता है कि पैसा लिया नहीं? डब्बे पे मैसेज आता है कि नहीं? पुराने जमाने में आपको तहसीलदार और कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाना पड़ता था। मोदी की गारंटी कि प्रशासन आपका चक्कर लगा के आपके खाते में पैसे डालता है मेरे भाई। और मुझे एक और चीज बताओ, ये 6,000 रुपया केंद्र से, 6,000 रुपया प्रदेश से, ये आपके खाते में सीधा आता है या सीधा? कोई बीच का जेब कतरी तो नहीं है? जैसे कांग्रेस के शासन काल में जेब कतरी होते थे, मालूम है जेब कतरी क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा। अरे बोलो, बोलो ना खाऊंगा। मोदी जी ने मेरा विशेष ध्यान वहां है और मेरा विशेष ध्यान वहां है। मोदी जी ने सारे जेब कतरों का जेब काटने का काम कर दिया और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। और देखो आज आज हाल जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं नीचे उतरते ही कूलर लगा दिया। मुझे कूलर से बड़ी एलर्जी है, और ये चमड़ी ग्वालियर चंबल की है, जितनी गर्मी होती है उतनी ज्यादा निखार आती है मेरे भाई।
सोच रहा था ये हवा कहां से आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा जो अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, 500 साल लोगों का संग्राम, 500 साल लोगों की मेहनत, बलिदान, भारत माता की माटी को उठाकर माथे पे लगाने की आशा अभिलाषा, जिस राम मंदिर को मुगलों ने ध्वस्त किया था, लोगों की आशा अभिलाषा और स्वप्न को पूरा करने का संकल्प, 500 साल के सपने को अगर किसी ने पूरा किया, राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कराकर राम मंदिर की स्थापना कराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और जब नियोक्ता भेजा गया कांग्रेस पार्टी को, वामपंथी दल को, उस नियोक्ता को उन्होंने ठकराया, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने के लिए नकार दिया, जिन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नकार दिया, 7 मई को उनको हमें जनता के द्वारा नकारना होगा। मेरे भाइयों, भगवान राम के मंदिर की स्थापना को नकार दिया, लेकिन जब इनके 2 मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, तो अंतोगत्वा दिल्ली में रैली की, कहा कि रामलीला मैदान में कर दी, ये गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, और मैं तो इतना कहूंगा कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। मेरे भाइयों, आपको ठगने का बंधन है, देश को ठगने का बंधन है, केवल कुर्सी के पीछे लालच है, और कुर्सी इनको दिख जाती है तो कुर्सी को देख के कहते हैं आजा 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 आजा, यही इनकी सोच और विचारधारा है। आज हमें संकल्प लेना होगा, ऐसे लोग जो भारत माता को पीछे ले जाना चाहते हैं, इनको बोरी बिस्तर बांधकर सिंध नदी में हमें विसारना होगा। मेरे भाइयों, तैयार हो? प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करोगे? भारत माता की विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करोगे? मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे? मेरे साथ तन मन के साथ जूझोगे? करोगे? 7 मई को पूर्ण तरीके से सतर्क रूप से कार्य करोगे? और अगर ये हमारा संकल्प है तो उस संकल्प के लिए हमें नीति बनानी होगी।